छात्रों, हम कक्षा 9वीं में खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ रहे थे। हमारा एक स्टेप जो पहले था कि हमें कैसे उन्नत संसाधनों को, उन्नत कृषि प्रणाली को अपनाना है। अब हमारा विषय है फसल सुरक्षा प्रबंधन। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फसल सुरक्षा प्रबंधन। जो हमारी फसल है उसको हमें छोटे छोटे कृमि, खरपतवार, कीट, पीड़ा पहुंचाते हैं कृषियों को, तो उनको हमें कैसे बचाना है। यदि कोई रोग हो जाता है तो रोगों से कैसे बचाना। खरपतवार जानते ही है, जो मुख्य फसल के अलावा जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। पीड़क मतलब जो कृषि की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये यदि ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये हमारे फसलों को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। और खरपतवार आप समझ ही गए हो, अनावश्यक पौधे। अब अनावश्यक पौधे कैसे हैं, जैसे गोखरू, उनका जो वानस्पतिक नाम है वो जैंथियम। गाजर घास आपने देखी है, उसमें ऐसे गोल गोल सफेद रंग के फूल होते हैं, ये गाजर घास, पार्थोनियम, मोथा, साइरेनस रोटेंडेंस, ये सब खरपतवार हैं। और ये क्या करते हैं, जो मुख्य फसल हमने मान लो गेहूं उगाए या चने जो भी, तो वो उसको पोषक तत्व कम मिलेंगे और ये पोषक तत्व ज्यादा ले लेंगे, स्थान ले लेंगे, प्रकाश ज्यादा ले लेंगे। और खरपतवार पोषक तत्व लेते हैं जिससे हमारी जो मुख्य फसल है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, कम। तो हमें शुरू से ही मुख्य फसल को बोने से पहले ही जमीन में से खरपतवार को क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं, खेतों से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खरपतवार को निकालना बहुत आवश्यक है। तो अब इस प्रकार कीड़ में जो इसकी कई विधियां हैं खरपतवार को, यांत्रिक विधि भी है, कुछ रासायनिक दवाइयां भी डाली जाती हैं। दूसरा है कि कीट भी पौधों पर आक्रमण करते हैं। कभी तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जो मूल मतलब जड़, तना और पत्तियों को काट देते हैं। कुछ विभिन्न भागों से कोशिकीय रस को क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं और पौधे को पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो फलों और तनों में क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं और जिससे फसलों का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर हैं कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस, ये भी रोग फैलाते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये मिट्टी, पानी, हवा में रहते हैं और पौधों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पौधे को रोगी बना देते हैं। तो ये सब जो रोग फैलाने वाले हैं, खरपतवार, कीट, रोग, तो हमें इनका नियंत्रण करना है। तो हम इसके लिए पीड़कनाशी दवाई और रसायन का उपयोग करते हैं। तो कुछ शाकनाशी भी आते हैं, कुछ कीटनाशी भी होते हैं, कुछ कवकनाशी भी आते हैं जो फफूंदों को रोकते हैं। तो इनका हम पौधों पर क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं पानी में मिला के, कभी कभी बीज और मिट्टी को भी इससे उपचारित कर देते हैं। लेकिन यदि मान लो ये पीड़कनाशी रसायन का हम ज्यादा मात्रा में उपयोग भी करते हैं तो हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण, और यदि मान लो ये बीज या पौधे जानवर खाते हैं तो उनके लिए ये विषैले हो सकते हैं और पानी में मिल जाते हैं और पर्यावरण हमारा क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो जो खरपतवार है उसको हम काटकर भी अलग कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी काटने से पुनः उगाती है, तो हम यांत्रिक विधि का भी उपयोग करते हैं। समय पर फसल उगाएं तो खरपतवार को मौका नहीं मिलता उगने का। क्यारियां तैयार करते हैं, यदि खरपतवार मिट्टी में है तो उसको काटकर अलग कर देते हैं। और भी जो अंतरा फसलीकरण है, फसल चक्र जो पूर्व में आप पढ़ चुके हो, ये भी इनका भी उपयोग करके हम खरपतवार जो अनावश्यक पौधे हैं उनको हम हटा सकते हैं। पीड़कों पर नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं कि जो आजकल बीज मिलते हैं कई बार वो भी उपचारित मिलते हैं, और पीड़कों को नष्ट करने के लिए भी हम गहराई तक हल चलाते हैं ताकि वो पीड़क जो खरपतवार है वो पूरा का पूरा अलग हो जाए।
उसके बाद जब हमें फसल प्राप्त हो जाती है तो फसलों का हम समय पर, कि साल भर तो फसल मिलती नहीं है, समय समय पर मिलती है, तो हम उसका भंडारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो भंडारण करते समय भी हमारे जो भंडार गृह हैं वो बहुत ही साफ सुथरे होने चाहिए। वहां पर ना तो बहुत नमी होना चाहिए ना बहुत अधिक गर्मी होना चाहिए। तो वहां पर हम जो भी स्थान है वहां पर कोई कीट ना हो, चूहे कृंतक मतलब कुतरने वाले जीव, चूहे वगैरह ना हो, चिचड़ी छोटे छोटे वो इल्ली जैसी या उड़ने वाले आते हैं ना, आपने देखा होगा कि अनाजों में हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनको खराब कर देते हैं, वजन कम हो जाता है, छेद कर देते हैं। और इस प्रकार जब ये बाजार में जाते हैं ये वाले अनाज, तो इनकी कीमत, क्योंकि लोग खरीदते नहीं है, खराब रहता है, घुन जाता है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है और गुणवत्ता भी कम हो जाती है। तो हमें पहले से ही भंडारण का उचित प्रबंधन करना चाहिए। तो भंडारण के लिए हमें सफाई करनी चाहिए अच्छे से, फसलों को, उस भंडार कक्ष को बकायदा सूर्य के प्रकाश में अच्छे से दिखाकर, और जो बर्तन है उसमें साफ सुथरे हों। धूमक, धूमक का प्रयोग करते हैं, वही कीटनाशक धुएं का प्रयोग किया जाता है जिससे कि छोटे और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो इस प्रकार हम अनाज का भंडारण कर सकते हैं। फिर हमारा है कृषि के साथ साथ हम क्या करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं, ये हमारे कृषि में भी मदद करते हैं। तो पशुधन के प्रबंधन को क्या बोलेंगे, पशुपालन। जैसे ये लोग गाय पालते हैं, घोड़े पालते हैं, तो इस प्रकार हम पशुओं, तो पशु भी, मुर्गी कुक्कुट पालन भी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका वो अच्छी किस्म के हों, उनको कोई बीमारी ना हो, उनका भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। यदि हम उन पशुओं से अंडे लेते हैं या दूध प्राप्त करते हैं, या कई लोग मांस के लिए भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो ये उनकी जो जातियां हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए और ज्यादा सामान देने वाली होना चाहिए। तो जो पशुधन है इसके उत्पादन में हमें बढ़ाना है और उसमें सुधार की क्या होगी, हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोग भोजन के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। पशु कृषि मतलब खेती के साथ साथ हम कृषि कार्य, ये सब तो खेत में होते ही, हल चलाना, सिंचाई, वो साथ में दूध देने वाले पशुओं को भी पाला जाता है। तो अब पशुओं की बहुत सारी जातियां रहती हैं, गाय और भैंस जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, गाय की एक जाति है ये जूलॉजिकल नेम है वास इंडिकस, भैंस वास बोवेलिस, ये दूध देने वाली जो जात पशु होते हैं, तो इनको हम दुधारू पशु कहते हैं क्योंकि हमारा भोजन का मुख्य स्रोत दूध भी होता है। अब दूध उत्पादन के साथ साथ उनके जो दुग्ध स्त्रवण का जो काल है वो ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल ये कहलाता है दुग्ध स्त्रवण काल। तो इस प्रकार कई विदेशी नस्लें भी हैं, जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस, इनका क्योंकि ये ज्यादा दूध का उत्पादन करती हैं। और हमारे भारत में भी गायों की अच्छी नस्लें हैं, जैसे एक रेड सिंधी, ये गाय की नस्ल का नाम है, साहीवाल। इनमें क्या है, रोग प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इनमें आपस में संकरण कराया जाए तो हम ऐसी नई किस्म प्राप्त कर सकते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो और लंबा दुग्ध स्त्रवण काल, दोनों अच्छे गुण उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमें पशुओं से जो उत्पादन होता है वो पशुपालन में, पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए हमें उनके साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पशुओं को कोई बीमारी तो नहीं है, उनके शरीर के बाल झड़ रहे हैं तो उसका भी इलाज किया जाता है,
यदि शरीर में गंदगी है, धूल है, तो उनकी सफाई की जाती है। और आवास, आवास मतलब रहने का स्थान, जहाँ पशुओं को पाला जाता है, तो खुलादार, और खुला खुला मतलब हवादार होना चाहिए, खुला होना चाहिए, और पर्याप्त उसमें हवा का आने जाने का प्रबंधन होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी आए, और वर्षा, गर्मी और सर्दी से उनका बचाव हो सके। और जब उनका जो फर्श है वो ढलान वाला होना चाहिए, ताकि जो मल मूत्र निकालते हैं तो वो वहां पर वो आसानी से बह सके और वो स्थान सूखा रह सके। दूध देने वाले जो पशु हैं उनको हम डेयरी पशु भी कहते हैं। तो एक का आहार, उनसे जो प्राप्त आहार होता है वो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, मतलब उनको भी आहार दिया जाता है, तो उनका जो आहार होना चाहिए बहुत अच्छा रहना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें। दूसरा ऐसा आहार होना चाहिए जिससे दूध का उत्पादन बढ़ सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उनका आहार है वो है मोटा चारा, यानी कि रेशेदार पदार्थ, वृक्षांश, रेशे होते हैं वृक्षांश में। दूसरा आहार जिसमें सांद्र, जिसमें रेशे कम हो और प्रोटीन तथा वसायुक्त या अन्य पोषक तत्व अधिक हो, तो ये सारा भोजन उनको संतुलित मात्रा में मिलेगा, तो जिससे कि वो स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपना उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। अब पशुओं को बीमारियां भी होती हैं, बीमारी बैक्टीरिया, वायरस उनके कारण हो जाती है, तो कभी पशु ठीक से बैठ नहीं पाता है, खाना अच्छे से नहीं खाता है, उसके शरीर में बाह्य परजीवी और अंतः शरीर मतलब जुएं वगैरह हो जाते हैं, अंतः परजीवी भी हो जाते हैं, जैसे कीड़े, आमाशय, आंत और ये फलों पर्णक्रमणी, ये पहुंच जाते हैं और यकृत को प्रभावित करते हैं। तो समय समय पर पशुओं को भी टीकाकरण किया जाता है, विषाणु और जीवाणु जनित रोगों से उनके लिए टीका लगाया जाता है, ताकि वो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाए, विकसित हो जाए। धन्यवाद।